एक और चीज हमें बताई गई, तमिलनाडु से लेकर केरला, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब जगह एक नाम सब जगह हमें सुनने को मिला, अदानी। ये नाम पूरे हिंदुस्तान में, केरल में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हिमाचल, कश्मीर, सब जगह अदानी 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 अदानी। और ये नाम नहीं, और इस नाम के बारे में जब लोग बोलते थे मुझसे तो दो तीन सवाल पूछते थे। ये पूछते थे कि ये जो अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाता है ये सफलता प्राप्त कर जाता है, ये कभी फेल नहीं होता। और युवाओं ने मुझसे ये सवाल पूछा कि भाई ये हो क्या रहा है, हम भी सीखना चाहते हैं, मोदी जी ने कहा स्टार्टअप करो, हम भी अदानी जी जैसे बनना चाहते हैं। तो भैया किसी भी बिजनेस में घुस जाओ और एकदम सक्सेस हो जाए, ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल था कि ये अदानी जी हैं, ये किसी भी बिजनेस में घुस जाते हैं, पहले ये एक दो बिजनेस करते थे, अब ये 8-10 सेक्टर्स में काम करते हैं, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, एरोस्पेस एंड डिफेंस, कंज्यूमर फाइनेंस, रिन्यूएबल्स, मीडिया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि राहुल जी, हाँ हाँ धन्यवाद धन्यवाद, पोर्ट्स की बात भी थी। ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अदानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया, कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में, ये 2014 में अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में, 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ दूसरे नंबर पे पहुंच गए, मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई, अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई, ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए, इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई, और सबसे जरूरी जवाब सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है, देश जानना चाहता है। तो देश जानना चाहता है, ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए, रश प्लीज पोस्टर, माननीय सदस्य पब्लिक में सर, माननीय सदस्य पोस्टर प्लीज, पोस्टर नहीं स्पीकर सर, वो फोटो है सर, वो पोस्टर नहीं है, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, प्राइम मिनिस्टर की फोटो है सर, उसके बहुत उनका अच्छा चेहरा दिख रहा है, उसके उनके उनके वहां पे उनके पीछे अदानी का लोगो है,
अदानी जी के हवाई जहाज में घुस रहे हैं, द रियल मैजिक स्टार्ट्स। जब प्रधानमंत्री जी दिल्ली आते हैं और 2014 में असली जादू शुरू होता है। मैंने कहा कि 2014 में वो 609 नंबर पे थे, कुछ ही सालों में वो दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कैसे पहुंचे? मैं आपको, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, मैं आपको दो तीन इंडस्ट्रीज का उदाहरण दे देता हूं। एयरपोर्ट इंडस्ट्री की बात, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं। कुछ साल पहले सरकार ने हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डेवलप करने के लिए दिया। नियम था, देयर वाज अ रूल दैट एनीबॉडी हु डज नॉट हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन एयरपोर्ट्स कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ दीज एयरपोर्ट्स। नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूं। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो, रूल था। किसी ने भी बनाया हो, रूल था। रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया रूल बदला गया रूल को बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद After that, India's most strategic, profitable airport, Mumbai Airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies ko CBI, ED ka prayog karkar, जीवीके पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। अब ये काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की, हम भी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। चलिए डिफेंस से शुरू करते हैं। बहुत ऑप्शन है, आप बताइए कहां से शुरू करें। बिजली, डिफेंस, बहुत ऑप्शन है। डिफेंस, लेट अस स्टार्ट विद डिफेंस। अब डिफेंस में अदानी जी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो एक्सपीरियंस। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।